हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रियंका न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी बनाए थे तो सोचे कि आप लोग के साथ उसका वीडियो शेयर करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले हम खीरे से कृष्ण जी का जन्म कराया, उसके बारे में अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे स्नान कराएंगे कृष्ण जी को, और ये जो मोमेंट होता है बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा किस किस को लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे पहले कृष्ण जी को 5 चीजों से स्नान कराया जाता है, जैसे आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ऐसे 5 चीजों से आपको कृष्ण जी को स्नान कराना होता है। और स्नान कराते समय इस बात का ध्यान रखिए कि शंख लेकर आप स्नान कराते हैं कृष्ण जी को, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हम कुछ कुछ इसमें आपको बताएंगे। अगर अच्छे से और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कॉमेंट करिएगा। और आप लोग को दिल से शुक्रिया था, मुझे आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं इसके लिए। यहाँ पे कुछ हमारे कृष्ण जी के वस्त्र हैं जो नए नए रखे हुए हैं, बांसुरी वस्त्र। तो पहले अच्छे से हम स्नान करा लेंगे कृष्ण जी को, उसके बाद यहाँ पे जो दूध और यहाँ पे पंखुड़ियों का जो पानी होता है ना, उसमें पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद इनका वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र में आप इनको वस्त्र जो आपको पसंद है वो पहनाइए, पर इनका ज्यादा फेवरेट वस्त्र पीला होता है तो कोशिश करिए पीला वस्त्र पहनाने के लिए। उसके बाद इनके श्रृंगार कर देंगे, बांसुरी, कंगन, थोड़ा सा टीका लगाएंगे, उसके बाद नथ पहनाएंगे, कान का इयररिंग पहनाएंगे, और उसके बाद इनका बाल लगा के, माला लगा के मुकुट पहना देंगे। और ये हमारे कान्हा जी रेडी हो गए, और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी का मुख कितना प्यारा लग रहा है। इनको आप शीशा में एक बार दर्शन करा दीजिए इनका मुख का, और उसके बाद इनको पलना में रख के 1 से 2 बार पलना को झुला देंगे, फिर आरती कर लेंगे। भोग के लिए आपके पास जितना सहन शक्ति है, जितना बना सकते हैं, जितना क्षमता है, उतना भोग का आप इनका तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे पास जितना था, जितना मुझे भोग के लिए चीज बनाना था, उसमें से जितना मुझसे हो पाया वो सब कुछ हम यहाँ पे कृष्ण जी के भोग के लिए रेडी कर दिए हैं। बाकी आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये है हमारे प्यारे से